हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शिवगंज उपखंड प्रशासन, पुलिस प्रशासन व नगर पालिका प्रशासन ने पैदल गश्त कर हटाए अस्थायी अतिक्रमण। शिवगंज शहर में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर उपखंड अधिकारी भागीरथ राम चौधरी व थाना अधिकारी बुद्ध राम चौधरी सहित नगर पालिका प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आई। जहां पर शहर के मुख्य बाजार में पैदल गश्त करते हुए सभी दुकानदारों को अंतिम चेतावनी देते हुए निर्देशित कर मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दुकानों पर कार्य करने के लिए कहा गया। ऐसे में दुकानदारों द्वारा दुकानों के बाहर सफेद पट्टी से भी बाहर अस्थायी किए गए अतिक्रमण को तुरंत प्रभाव से हटाते हुए अंतिम चेतावनी दी गई। जहां पर SDM भागीरथ राम चौधरी ने बताया कि अगर सफेद पट्टी के बाहर सामान रखा गया तो माल को जब्त कर ₹1,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं उपखंड प्रशासन के इस पैदल गश्त को लेकर एकाएक तो पूरी बाजार में हड़कंप सा मच गया। जहां पर अस्थायी रूप से किए गए अतिक्रमण को दुकानदारों ने फटाफट माल अंदर डालते भी नजर आए और दुकानदार फटाफट मुंह पर मास्क लगाकर भीड़ को दुकानदारों से बाहर करते दिखाई दिए। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए ग्राम पंचायत पोसालिया सरपंच श्रीमती रेखा कंवर, इन्होंने ये कहा। आज ग्राम पंचायत पोसालिया में साधारण बैठक में GSH पर ग्राम पंचायत के भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए पूर्व में पंचायत द्वारा नोटिस 2 बार जारी किए जा चुके हैं, जिसके बावजूद अतिक्रमण न हटाने पर पंचायत द्वारा आज JCB की सहायता से अतिक्रमण हटाया गया। जागरूक टीवी की पोसालिया से कल्पना मालिक की रिपोर्ट।